गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे एक्सरसाइज 70.2 के। आज मैं आपको एक्सरसाइज 70.2 करा रहा हूं, 17.2। इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं या एक्सरसाइज को प्रारंभ करता हूं, तो उससे पहले मैं आपके एक बात कहना उचित समझता हूं। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कृपा करके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिए। अब चलते हम एक्सरसाइज 17.2। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक्स 3, 5, 8, 11, एफ 2, 4, 5, 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई एफ आई, एफ आई और एक्स आई। 3, 5, 8, 11, 2, 4, 5, एफ आई एक्स आई का मतलब होता है इनका दोनों का प्रोडक्ट, गुना करना। 3 × 6 = 20, 8 × 5 = 40, 11 × 3 = 21। इसे जोड़ो सिग्मा एफ आई, इसे जोड़ो सिग्मा एफ आई एक्स आई। 2, 4, 6, 5, 11 और 3 14, 6 और 3 = 9, 2, 4, 6 और 3 = 9। आपका सूत्र समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हुआ सिग्मा एफ आई, 99/14, 14 × 7 = 98, 1 = 0, कितना आ गया 14 × 7 = 98। ये आपका समांतर माध्य होगा। अब इस समांतर माध्य7.07। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पॉइंटों में संख्या आ जाती है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पॉइंट से पता नहीं क्यों घबराते हो। दसवीं क्लास में आने के बाद भी बच्चे पॉइंटों से गुना करना नहीं जानते, जो जानते तो वो अति उत्तम है, परंतु बहुत बच्चे ऐसे जो पॉइंटों को लगाना नहीं जानते। जैसे आपका क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। x 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, f 30, 60, 40, 40, 10, 50। सबसे पहले टेबल बनाइए एक्स आई एफ आई, एफ आई और एक्स आई। एक्स आई की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6, 30, 60, 20, 40, 10, 50। इनको मल्टीप्लस कीजिए 30 × 1 = 30, 3.0। एक से एक पॉइंट एक के बाद दशमलव है इसलिए एक के बाद है। आपको 60 × 120, 120.0, 20 × 60, 6.0, 4 × 16, 16.0, 10 × 5 = 15, 5.0,
30.0, ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये आपका सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 0, 3, 5, 6, 11, 6, 17, 5, 22, 2, 1, 3, 4, 3, 7 सिग्मा एफ आई इनको रो करो 0, 3, 6, 9, 2, 11, 4, 15, 16, 5, 21 210 समांतर माध्य एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 72 अपॉन 210 सेवन टू में यानी कि 7.12 के अंदर 21, 63 12 में से 3 गए 9.0 21 चौका 84 6, 21, 63 0.34 समांतर माध्य इक्वल टू अभिष्ट माध्य समांतर माध्य इक्वल टू 0.34। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप टेबल बनाइए 3, 5, 7, 9, 11, 30 एफ आई 6, 8, 15 पी 8, 4 फिर निकालिए एफ आई एक्स आई 3, 6, 18, 5, 8, 40 15, 17, 105, 9, 3, 11, 8, 88, 13, 52 यानी कि आप उनको गुणा कीजिएगा 3 को 6 से कीजिए 3, 6, 18 5 को 8 से करो 5, 8, 40 7 को 15 से 15, 17, 105 9 को 20 से करो 9, 3 11 को 8 से करो 11, 88 13 को 4 से करो 13, 4, 52 सबसे पहले मैं लिखता हूं सिग्मा एफ आई इन सबों का जोड़ 6, 8, 14, 15, 29, 16, 37, 41 प्लस पी क्योंकि पी को अलग लिखा जाएगा। पी को कैसे लिखा जाएगा? अलग लिखा जाएगा जिसके साथ सम्मिलित नहीं होगा। फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 8, 5, 13 और 8, 21 और 2, 23 का पी हासिल आई 2, 2 और 1, 3 और 4, 7 और 8, 15 और 5, 20 हासिल आई 2, 2 और 1, 3 प्लस 9 पी
इसको भी नो पी को भी हम अलग लिखेंगे। दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा, 8 और 5 13 और 8 21 और 2 23 हांसिला ही 2 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15 और 5 20 हांसिला ही 2 2 और 1 3। आपका सूत्र समांतर माध्य आपको दिया हुआ है, समांतर माध्य इक्वल टू 7.5। समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई, इसमें मान रख दो 7.5 इक्वल टू समांतर माध्य, ये कितना आया 303 प्लस 9p बटे हुआ 41 प्लस पी। मल्टीप्लस कीजिए 7.5 गुणा में 41 प्लस पी इक्वल टू 303 प्लस 9p। 7.5 को 41 से गुणा करो, 4×20 4×7 2 3 307.5 प्लस 7.p इक्वल टू 303 प्लस 9p। इसको इधर ले आइए क्या, 307.5 माइनस 303 इक्वल टू 9p माइनस 7.5p, घटाओ उनको ये कितने बचेंगे 4.5 इक्वल टू 1.5। पी इक्वल टू 4.5 अपॉन 1.5 पी इक्वल टू 3, अतः P का मान 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बंटन का माध्य 1.46 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने P का मान निकाला जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें एक ही वो दे रखी थी 12 12 के स्थान पर P। अब इसमें दो कॉलम खाली छोड़ रखे हैं, तो मैं क्या करता हूं, माना 12 12 वार्ता F1 व F2 है। तो यहां लिखिएगा X, यहां लिखो Fi और यहां लिखो Fi XI। 0 1 2 3 4 5 46 F1 F2 25 10 5 और टोटल दे रखा है आपको 200। इसे आप ऐसे लिख लो n इक्वल टू 200। इन दोनों को गुणा करो, 0 F1 2 F2 25 3 75 4 2 40
पचम पच्चीस, जोड़ो इसको, पांच पांच दस की जीरो, सात चार ग्यारह, दो तेरह और एक चौदह, प्लस एफ वन प्लस टू एफ वन, तो सबसे पहले सिग्मा एफ आई यानी कि एन, जोड़ो इनको, एफ वन प्लस एफ टू, छह पांच ग्यारह और पांच सोलह, पांच दो सात और एक आठ, प्लस एफ वन प्लस एफ टू। फिर आपको क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य 1.46। फिर इसके बाद क्या दिया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 140 प्लस एफ वन प्लस ट्वाइस एफ टू। अब एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 86 प्लस एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 200, क्योंकि एन का मान आपको कितना है, 200 दिया हुआ, बार बार आता होगा, यो एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 200 माइनस 86, एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 114। अब ये चीज आपको आपके पास है, समांतर माध्य कितना गिवन है, सबसे पहले ये सूत्र लगाओ, समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हुआ एन। एन का मान कितना है आपके पास, 200 है, समांतर पाए 146, समांतर माध्य कितना है 146, एफ आई एक्स आई कितना है आपके पास 140 प्लस एफ वन प्लस ट्वाइस एफ टू अपॉन 200। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तिरछे गुना करो, 140 प्लस एफ वन प्लस टू एफ टू इक्वल टू 1.46 मल्टीपल्स 200। 140 प्लस एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 1 2, 292। एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 292 माइनस 140, एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 251, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, दो इक्वेशन हो गई आपकी, दो इक्वेशन समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से। पहली समीकरण थी आपकी एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 114, एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू
2f 1/5 घटाने पर यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करेंगे f1 में घटाने पर इनके साइन बदल जाते हैं, माइनस 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 ये कट गया, माइनस का f2 इक्वल टू 12 में से 4 गए तो 8, 5 में से 1, 4 में से 1 गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल, f2 इक्वल टू 38। f2 का मान समीकरण 1 में रखने पर f2 का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सी है, f1 + f2 38 इक्वल टू 114, f1 इक्वल टू 114 माइनस 38 इक्वल टू 14 में से 8 गए 6, 76, f1 इक्वल टू 76। तो आपके f1 और f2 की वैल्यू आ गई, f1 की वैल्यू 76, f2 की वैल्यू 38, यानी कि f1 इज द 76 एंड f2 इज 38। ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अब मैं कल आपको सेक्शन 17.3 के एग्जाम्पल कराऊंगा। आज की क्लास यही समाप्त करता हूं, धन्यवाद।